आई हैव एन आइडिया ब्रो, स्टार्टअप करते हैं ना यार। देख, तू वेब डेवलपर है, तू फिल्म मेकर है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अबे जब करना ही है तो करते हैं, क्या बोलता आसू? ब्रो इसमें और पैसे लगेंगे, अबाउट 1 लाख। 1 लाख? बट एस्टिमेट के हिसाब से तो 80,000 था ना, इतना तो पे किया है मैंने तुझे। ब्रो आई एम मेकिंग एन ऐप, इसमें डायग्नोस्टिक का कॉस्ट होता है, टेस्टिंग का कॉस्ट होता है, और वो जो बीच में बोलता है ना, ये फीचर ऐड कर, वो फीचर ऐड कर, भाई सुन, पैसे लगते हैं सब में। गवर्नमेंट का काम है, पैसे तो लगते हैं, और ऊपर भी भेजना पड़ता है, समझ सकते हो। मैं सच बोल रहा हूँ, वो अपने पैसे लेके भागेगा ऐसा लग रहा है। कैसी है पापा की तबीयत? सीरियस है भाई, पैसे लगेंगे बहुत। इतने? 2-2.5 लाख समथिंग तो है ना। अबे भाई वो लोन के पैसे हैं। अबे तो बाप से बढ़कर है क्या? अपने सारे दोस्तों से तुम्हारी तारीफ करता था कि तुम्हारी तरह कोई नहीं है। पता ना तुम्हें मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, रेस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं। क्या हुआ डॉक्टर? सॉरी आशीष, हमने कोशिश तो बहुत की पर हम आपके पापा को नहीं बचा पाए। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा लिए, एक बार क्राइम ब्रांच चल देते हैं। फेंक दे भाई सारे डॉक्यूमेंट, 10 दिन से पुलिस स्टेशन चक्कर काट रहे। क्या मिला? कुछ नहीं। कहीं बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट लेकर, कहीं बोलते जेरॉक्स करवा के लेके आओ, कहीं बोलते उसके पास जाओ सील साइन करवा के लाओ। भाई तो कोशिश भी नहीं करेंगे क्या? और कितनी कोशिश करें भाई, उमंग टूट चुका है भाई अंदर तक, और कुछ करने की हिम्मत नहीं रही मुझमें। 15 दिन हो चुके मेरे बाप को मरे, तेरे कराने तक के पैसे नहीं मेरे पास। याद उस पुलिस वाले ने क्या बोला था? चप्पल किस जानी है। सच कहा था भाई। हम तीनों पूरी तरह से टूट चुके थे, कर्ज इतना ज्यादा था कि इसे चुकाने में हमारा सब कुछ बिक गया। लेकिन वक्त की एक बात अच्छी लगती है, ये चाहे अच्छा हो या बुरा, टल ही जाता है। कैसा बेटा? आओ पापा बैठो। ये कुछ पैसे रख बेटा। इसकी कोई जरूरत नहीं है पापा। लो बेटा, इसकी जरूरत है अभी तुम्हें, रखो। आपके मेहनत की कमाई कैसे ले सकता हूँ बेटा? मेरी असली मेहनत तुम हो, तुमसे बढ़कर के इन चीजों की कोई अहमियत नहीं। मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा पापा। एक बात याद रखना बेटा, यह कोई स्टेडियम में खेला गया फुटबॉल मैच नहीं है जो 90 मिनट में रिजल्ट सामने आ जाता है बेटा। ये जिंदगी है, सफलता यहां वक्त मांगती है। ठीक है पापा जी, चलो अब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं।